हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर। और आज हम कोरिलेशन का जो पार्ट टू लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम जानेंगे कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। आपको पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने कोरिलेशन का पूरा बेसिक्स और उसके जो तीन मेथड्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए थी आपकी कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए। आपके पास टोटल तीन मेथड्स हैं। जो पहला था हमारे पास वो था आपका स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकंड था आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन, और थर्ड हमारे पास है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। और इसका जो फॉर्मूला है आपका निकालने का, 1 - 6 σ d² अपॉन में (n³ - n)। अब इसके अंदर आपको दो केसेस पढ़ने हैं। एक केस वन है कि व्हेन दी वैल्यू ऑफ सीरीज आर नॉट सेम, जो कि ये वाला क्वेश्चन हम देखो, इसमें कोई भी वैल्यूज आपस में रिपीट नहीं हुई है। और फिर केस टू आएगा हमारे पास, जब आपका क्या होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ सीरीज आर सेम। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर चांसेस है कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना केस नंबर वन से। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें हमें निकालना पड़ेगा R1, फिर R2, फिर आपका D, जो कि फॉर्मूला होता है R1 - R2, और उसके बाद D²। अब इसमें आपको रैंक देना है, तो आप चाहो तो सबसे लोएस्ट वाले को 1 रैंक दो या फिर हाईएस्ट वाले को। तो हम शुरू करते हैं, जैसे क्लास में होता है ना कि जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया होता है उसको हम टॉप नंबर 1 देते हैं, फिर उससे कम नंबर 2, फिर नंबर 3, ऐसे रैंक्स देने हैं आपको। तो यहाँ पे देखो, सबसे हाईएस्ट स्कोर किसने किया, 18 ने, तो इसको हमने दे दिया रैंक 1। इसके बाद आप देखो तो रैंक 2 हमने 17 को दे दिया, क्योंकि इसके बाद वो था। फिर 17 के बाद हाईएस्ट मार्क्स क्या हमारा, 16, इसको रैंक 3 दे दिया हम लोगों ने। और फिर रैंक 4 आपका 15, फिर रैंक 4 आपका 4 हो गया रैंक 5, फिर आपका 14 के बाद आपको देखो तो हाईएस्ट क्या है हमारा, 13, जो इसको रैंक 6 दे दिया हमने। फिर रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9 और रैंक 10। इस तरीके से हमने 10 बच्चे थे, 10 को अलग अलग रैंक दे दिए। सेम सिमिलर आपको वाई वाले वेरिएबल में भी रैंक्स देनी है इसी तरीके से। तो इसमें देखो हाईएस्ट स्कोरिंग क्या है हमारा, 15, इसको रैंक 1, फिर 12 हमारा रैंक 2, फिर 10 हमारा रैंक 3, इसके बाद 9 है हमारे पास जो कि इसको रैंक 4 दे दिया हमने। फिर 7 है जो कि रैंक 5, फिर रैंक 6, फिर रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9 और रैंक 10। इस तरीके से आपने रैंक दे दिया। अब क्या करना है, डी निकालना है, डिफरेंस जो कि है R1 - R2। R1 है 4, फिर R2 है 3। 4 में से 1 गया आपका 3, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 8 गया आपका -3, 6 में 6 गया 0, 8 में से 5 गया आपका 3, 7 में से 4 गया आपका 3, 3 में से 9 गया -6, 1 में से 2 गया -2, 9 में से 10 गया -1, और 10 में से 7 गया आपका आपका आ गया 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 3 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, फिर 9, फिर 0, फिर 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करना है, इनको समेशन, क्योंकि हमें फॉर्मूले में सिग्मा डी चाहिए, सिग्मा डी का समेशन। 9 9 18 27, 9 6 36, और 36 और 6 42, 1 43 और 4 47, और 47 और 9 56 के 6, फिर 5 और 5 और 3 8, तो ये आ गया आपका 86। एक बार और कंफर्म कर ले, 36 40 50, 9 9 18 36 36 और 6 42 42, 1 43 और 4 47 और 47 56 5 5, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे, एक बार फॉर्मूले लिख देते हैं हम, 1 - 6 σ d² अपॉन में (n³ - n)। अब देखो n क्या है,
एन है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, एक दो तीन चार पांच छह, मतलब टोटल कितने हुआ 10। एन है हमारे पास, तो बच्चों जो एन है हमारे पास वो है आपका 10। तो 1 माइनस में 6 आपका इंटू में सिग्मा डी स्क्वायर कितना हमारा 86 अपॉन में एन क्यूब कितना हमारा 10 का क्यूब माइनस में 10, तो कितना 1 माइनस में 6 इंटू 86, 10 की क्यूब होता है 1000 और 10 तो क्या गया 1 माइनस में 6 इंटू 86 आपको 990। काटना चाहो तो काट दो, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं। 6 को मल्टीप्लाई करो 6 पे 3 6 8 48 और 3 51 करेंगे 516 को डिवाइड कर देंगे 990 से, तो पॉइंट लगेगा 0 क्योंकि जाएगा नहीं वैसे भी, तो आप करेंगे इसको हम 5 से, तो 990 को 5 से करोगे तो 5 0 5 40 5 4 5 45 और 4 तो 4950, तो ये 10 10 में से हो गया 1। ठीक है, फिर पॉइंट तो लगा हुआ है, एक और 0 लगा दिया तो ये तो 1 से ही चला जाएगा यार, 990 तो ये आया है, तो ये हमारा 0.1, तो आपका 1 माइनस में 0.51 क्या आ गया 0.49 यूज आंसर प्लस में। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हुआ। अब हमारा केस टू है कि जब रैंक्स की नंबर्स क्या हो जाए आपस में रिपीट हो जाए तब कैसे करेंगे। केस नंबर टू कर रहे हैं कि व्हेन वैल्यूज ऑफ द सीरीज आर सेम, कि जब ये नंबर रिपीटेशन हो रही है तो इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऐसे होंगे जो दो दो बार या तीन तीन बार रिपीट हो सकते हैं, तब हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख दें कि जब ये वाला केस आएगा तो आपका जो फॉर्मूला होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर या ब्रैकेट प्लस में 1/12 m1 स्क्वायर m1 क्यूब माइनस m1 प्लस में 1/12 m2 क्यूब माइनस में m2 प्लस में डॉटेड डॉटेड, ये आपका n तक जा सकता है, और डिवाइडेड बाय n3 माइनस में n। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर फिर से वही वाला काम, पहले आपको रैंक निकालने पड़ेंगे R1 और आपको फिर R2। तो यहाँ पर देखो R1 सबसे टॉप, आप इस एक्स वाले सीरीज में देखो तो सबसे हाईएस्ट क्या है हमारा यहाँ पर 28 है, और इसको हमने रैंक दिया नंबर 1, और इसके बाद इससे जो लोवेस्ट नंबर है वो हमारा 2, उसके बाद 20 के बाद देखो तो हमारे पास है रैंक नंबर 3 ये, फिर रैंक नंबर 4, रैंक नंबर 5, रैंक नंबर 6। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया कि रैंक 7 पे और रैंक 8 पर दोनों ही नंबर, यहाँ पे मैं इसको 7 देता हूँ मान लो, इसको 8 देता हूँ, तो दोनों में हमें किसको 7 दो और किसको 8 दो, तो यहाँ पर आपको समस्या आ जाएगी। और यहाँ पे इस समस्या का समाधान यही है कि इसके पोजीशन की एवरेज निकालो, मान लो उसको आप 7 देते एक को और एक को आप 8 देते, तो उसका एवरेज तो 7 और 8 कितना हो जाता है आपका 15, और 15 का आधा कितना हो जाएगा आपका 7.5, तो आपका रैंक बढ़ जाएगा, यानी कि इसको भी 7.5 और इसको भी 7.5। अब यदि कोई नवा टर्म होता तो उसकी रैंक 9 होती, 7 8 नहीं होती क्योंकि 7 8 बुक हो गया दोनों का सेम। सिमिलरली आप रैंक आप दूसरी सीरीज में दो तो हाईएस्ट स्कोरिंग इसमें क्या है हमारा रैंक 1 ये, फिर रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। अब देखो यहाँ पर जो 12 है वो 2 बार रिपीट हो गया, तो इसकी पोजीशन क्या है, रैंक 5 होती और रैंक 6 होता, मान लो इसको हम 5वां नंबर देते और इसको छठा देते, तो इनका एवरेज तो 5 और 6 का एवरेज कितना हो गया आपका 5.5, तो इसको भी हम दे देंगे 5.5 और इसको भी दे देंगे हम 5.5, सॉरी इसको नहीं, इसको
अब 5 और 6 तो बुक हो गए, अब सातवां रैंक किसका हो जाएगा, 11 का, और आठवां रैंक हो जाएगा इसका। तो इसमें एक बार क्या, जब भी कोई नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो उसका पोजिशन का एवरेज निकाल दो। अब फिर बाकी सारा चीज तो सेम ही है, डी निकालो, डी का फॉर्मूला R1 - R2। 5 में से 2 गया आपका 3, 7.5 में से 4 गया आपका 3.5, 2 में से 8 गया -6, 1 में से 5 गया माइनस का 4.5, 6 में से 7 गया माइनस का 1, 7.5 में से 3 जाएगा तो आपका 4.5, 4 में से 1 गया तो 3, और 3 में से आपका 5 गया तो आपका 2.5। अब डी स्क्वायर निकालो, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9, 3.5 का स्क्वायर। अब देखो जिसकी लास्ट में 5 होता है ना, तो उसका स्क्वायर निकालना थोड़ा सा आसान होता है। कैसे देखो यार, जैसे कोई 35 है और हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करो, जिसकी भी लास्ट में 5 होता है ये वाला अप्लाई होता है। 3 का अगला नंबर क्या है, 4, तो 12, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इस तरीके से आप देखो 55 का निकाल लो, 5 का स्क्वायर क्या होता है अगला नंबर 6, 5 30 और 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से आप शॉर्ट में यूज कर सकते, तो इसका आ जाएगा 12 25 36 आपका, ये 4 20 25 फिर 1, फिर आपका 4 का अगला नंबर 5 25.25 3 9 6.25। तो ये 25 25 आपके ये पूरे हो गए, 0 10 तो 12 12 और 6 18 19 19 और 9 28 और 6 34 के 4 फिर लगा 3 3 1 4 3 7 2 9 और 2 11, 114 आ गया आपका यहाँ। अब करा करना है, बस पुट करना, 1 माइनस में 6, डी स्क्वायर हमारा आया 114, 1/12। अब यहाँ आपके क्वेश्चन की M1 और सर M2 क्या है, तो M1 हमारा है 2, जो कि 10 जो 2 बार रिपीट हुआ था, और दूसरी वाली में सीरीज में देखोगे तो M2 भी हमारा क्या था, हमारा रिपीटेशन होता है, तो 12 हमारा 2 बार रिपीट होता है, रिपीटेशन है कोई, यदि 10 यहाँ पे मान लो कि 12 3 बार रिपीट होता है तो हमारा M2 क्या होता है, 3 होता फिर। तो M1 हमारा 2 का क्यूब -2 प्लस में 2 का क्यूब -2, और क्योंकि और नंबर होते हैं, मान लो ये 2 ही वेरिएबल नंबर रिपीट हुए, कोई तीसरा होता तो एक और ऐड हो जाता। अब और में एन कितना हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 माइनस में 6, 1 4 4, 1/12। अब 2 का क्यूब 8 माइनस में 2, फिर 1/12 8 माइनस 2, और 8 की क्यूब -8 हो गया यहाँ पर, तो 8 का क्यूब क्या होता है 512 -8। अब ये देखो 1/12 इंटू में 6 प्लस में 1/12 इंटू में 6, 8 में 2 6, अब 504। अब ये 114, ये देखो कटेगा तो 0, तो 1/2 1/2 यानी कि 0.5 प्लस 0.5, 504। तो क्या 1 माइनस में 6, 114, फिर आधा आधा हो जाएगा 115/504। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, ये कट जाएगा 6 से 6 48 6 24, तो 1 माइनस में 115/84। अब 115 को आप डिवाइड करो कितने से, 84 से, तो 1 3 से जाएगा 84 को लड़ा है, 4 से तो ज़्यादा आएगा, 8 3 12 8 24 25, तो 1.3 6 6 24 के 4 हाथ में 3 6 48 51, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1 माइनस में 1.36, तो आपका क्या आ गया 3 माइनस का 0.36 आपका पॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको
स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन करना है, और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर तो कार्ल पियर्सन और जो आपका ये स्पीयरमैन है, इन दोनों में ऑप्शंस आता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये समझाया हुआ तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट।